आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में मात दे दिया है। यह पहला मौका है जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमाया हो। इस सीरीज में भारतीय गेंदबाजों ने तो शानदार गेंदबाजी की है, लेकिन बल्लेबाजों ने भी ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी का जमकर सामना किया। चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और जैसे बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। टेस्ट मैचों में भारत के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले चेतेश्वर पुजारा एशिया से बाहर लगातार फ्लॉप हो रहे थे। उन्हें कई बार कई मैचों में टीम से ड्रॉप भी किया गया था, लेकिन इस सीरीज में कहानी कुछ और ही थी। इस सीरीज में चेतेश्वर पुजारा का बल्ला जमकर बोला। 4 मैचों की इस सीरीज की 7 पारियों में उन्होंने 521 रन बनाए, इसमें 3 शतक भी शामिल थे। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज ने अब नया मुद्दा उठा दिया है। टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन के बाद भी पुजारा को वनडे टीम में जगह नहीं मिलती, उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कैफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, पिछले कुछ वर्षों में कई खिलाड़ियों को एक दिवसीय और T20 फॉर्म के आधार पर टेस्ट में चुना गया है, लेकिन काश हम टेस्ट क्रिकेट में लगातार रन बनाने वाले किसी बल्लेबाज को वनडे टीम में जगह देते, वह भी तब जब वनडे में पिचें फ्लैट होती हैं। ऐसा नहीं है कि चेतेश्वर पुजारा को वनडे क्रिकेट में मौका नहीं मिला है। उन्होंने अभी तक भारत के लिए 5 वनडे मैच खेले हैं, लेकिन इसमें उनके बल्ले से सिर्फ 51 रन ही निकले हैं। इस दौरान उन्होंने 40 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। अब बात पहले जैसी नहीं रही, इसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ती है। शायद इसी वजह से पुजारा को वनडे टीम में शामिल करने के बारे में कोई बात नहीं करता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।